डियर स्टूडेंट्स, आज हम कैलकुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ेंगे। पिछले वीडियोज में हम राशन दाब क्या होता है, राशन दाब के नियम क्या हैं, राशन दाब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं या अनुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं, इनके बारे में अध्ययन किया था। अब राशन दाब की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, राशन दाब के नियम हमने पढ़े हैं। तो सॉल्यूशन के लिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो वॉन्टॉप का नियम है वो हमने क्या पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था पाई वी इक्वल टू एन एस टी। और फिर आगे हमने ये कहा था कि जिस तरीके से सॉल्यूट के अणु गैसीय अवस्था में व्यवहार करते हैं वैसे ही विलयन अवस्था में व्यवहार करते हैं। जिस तरीके से गैस अवस्था में व्यवहार करते हैं वैसे विलयन अवस्था में व्यवहार करते हैं। और जब S सॉल्यूशन कांस्टेंट की वैल्यू अदर वैल्यूज को पुट करके निकाली जाती है तो उसकी वैल्यू 0.0827 लीटर एटमॉस्फेयर आती है, जो गैस कांस्टेंट की वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है। इसलिए हम एस के स्थान पे आर को पुट कर सकते हैं। ओके, इसलिए हम यहाँ पे विलयन के लिए वॉन्टॉप समीकरण की बात करते हैं तो हम लिखते हैं पाई वी इज इक्वल टू एम आर। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, पाई प्राशन दाब, वी विलयन का आयतन, एन विलय के अणुओं की मोलों की संख्या, आर सॉल्यूशन कांस्टेंट और गैस कांस्टेंट सेम थे, टी टेम्परेचर। ओके, अब याद कीजिए मैंने आपको कहा था कि सांद्रता और आयतन में क्या रिलेशन होता है। सांद्रता और आयतन के लिए हमने एक फॉर्मूला लिखा था, एक जगह तो हमने लिखा था सी इज इक्वल टू वन अपॉन वी और एक जगह हमने लिखा था सी इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन वी। सी मतलब सांद्रता, स्मॉल एन विलय के मोलों की संख्या, वी आयतन। तो सांद्रता और आयतन में क्या संबंध होता है, सी इज इक्वल टू एन अपॉन वी होता है, जो नीचे लिख भी रखा है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, विलयन की सांद्रता को मोल प्रति लीटर में व्यक्त करता है। एन मोलों की संख्या है, वी आयतन को लीटर में लेते हैं तो ये मोल प्रति लीटर में व्यक्त करता है। जब हम यदि एक मोल लेते हैं तो हम C इक्वल टू वन अपॉन वी लिख देते हैं। ओके, ध्यान रखना है। अब हम आगे बात करते हैं कि इस इक्वेशन में, जो इक्वेशन है इसमें अपन ने V लिख रखा है लेफ्ट हैंड साइड में, इस V को यदि राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो पाई इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी, अपॉन वी का मतलब नीचे बटा में वी आ जाएगा। यहाँ पे अपने पास एन अपॉन वी आया है और अभी मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि एन मोलों की संख्या बटा वी आयतन होता है, वो सांद्रता सी के इक्वल होता है। तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी और सी है क्या है, सी सांद्रता मोल प्रति लीटर। ओके, अब इस इक्वेशन 28 के अकॉर्डिंग प्राशन दाब सांद्रता अर्थात विलय के मोल या अणुओं की प्रति लीटर विलय में संख्या का संबंध होता है। इसके अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि प्राशन दाब पाई सांद्रता के समानुपाती कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि प्राशन दाब विलय के मोलों की संख्या के समानुपाती या अणुओं की प्रति लीटर विलय में जो संख्या होती है उनके समानुपाती। कुल मिला के विलय के अणुओं की संख्या के प्राशन दाब समानुपाती, विलय के अणु ज़्यादा होंगे तो सांद्रता ज़्यादा होगी और ज़्यादा सांद्रता होगी तो प्राशन दाब भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अतः प्राशन दाब एक अनुसंख्य गुण है। कैसे बताया अपन ने अनुसंख्य गुण है, हमने ये कहा कि सांद्रता ज़्यादा होगी तो प्राशन दाब ज़्यादा होगी। सांद्रता किस पर निर्भर करती है, सांद्रता इज इक्वल टू मोलों की संख्या बटा आयतन। मोलों की संख्या ज़्यादा होगी, मोलों की संख्या ज़्यादा होने का मतलब अणुओं की संख्या ज़्यादा है,
या कणों की संख्या ज़्यादा है, अणुओं की संख्या ज़्यादा है तो प्रासन दाब ज़्यादा होगा, या यूँ कह सकते हैं कि अणुओं की संख्या पर प्रासन दाब निर्भर करता है। इट मीन्स प्रासन दाब एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एन जो है उसके लिए फॉर्मूला मैं बार बार पहले भी रिपीट कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ कि एन का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन एन। डब्ल्यू विलेय का ग्राम में भार, विलेय की बात करते हैं सारी, और अवाष्पशील विलेय होना चाहिए, ये एक स्पेशल कंडीशन है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडीज के लिए। और डब्ल्यू है वो विलेय का ग्राम में भार तथा एम विलेय का अणुभार, एम विलेय का अणुभार। ओके, तो एन इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम होता है। छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं समीकरण इक्वेशन 28 एंड 29 का मान आपस में यूज में रखते हैं, तो पी वी इक्वल टू अपने लिख रखा था एन आर टी, और एन की जगह हम क्या लिख देंगे, डब्ल्यू अपॉन एन। वेट से रिलेशन निकालना है अपन को, कैलकुलेशन करनी है, इसलिए डब्ल्यू अपॉन एम लिख देंगे। एंड पाई इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम, ये वी जो लेफ्ट हैंड साइड में है इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो नीचे डिवीजन में आ जाएगा, तो अपने लिख दिया डब्ल्यू अपॉन एम डॉट का मतलब मल्टीप्लाई आर टी अपॉन वी। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया अपने पास। प्रासन दाब कैलकुलेट करना हो अपने को, आयतन पता हो, गैस कॉन्स्टेंट निश्चित है, टेम्परेचर जिस पर अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं पता है, तो डब्ल्यू और एम का पता है, तो अपन प्रासन दाब को कैलकुलेट कर सकते हैं। 36 अब ये कहता है इसके अणुभार ज्ञात करना है, कैलकुलेशन ऑफ मोलिकुलर वेट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट, तो इससे हम कैसे कर सकते हैं, तो सीधी सी बात है, फॉर्मूला आपको आता है, हमने ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है इसमें एक जगह एन आता है, ये यहाँ पे डिवीजन में एन। इस इक्वेशन को यदि हम रीअरेंज करते हैं, एम को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं तो ये ऊपर आ जाएगा, और पाई को राइट हैंड साइड में लाएंगे तो ये नीचे डिवीजन में आ जाएगा। देन दिस इक्वेशन कन्वर्ट इन टू दिस इक्वेशन, एम इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन पाई, पाई प्रासन दाब डॉट आर टी अपॉन वी। अतः किसी विलेय का अणुभार निश्चित ताप पर, यदि कोई निश्चित ताप है तो उस पर विलेय का अणुभार निकालना है, तो किसी ज्ञात सांद्रता वाले विलेय का प्रासन दाब का मेजरमेंट कर लेते हैं। ज्ञात सांद्रता है अपनी को, उसकी प्रासन दाब को माप लेंगे, तो उसके द्वारा हम उस सोल्यूट का अणुभार निकाल सकते हैं। एक निश्चित ताप लिया अपन ने, तो उसके ताप की वैल्यू अपने को पता होगी, निश्चित कर दिया, आर निश्चित है ही, ये तो कांस्टेंट है, और एक निश्चित सांद्रता का विलयन लेंगे तो विलयन का कितना वॉल्यूम लेते हैं वो अपने को पता ही है, तो डब्ल्यू और उससे प्रासन दाब निकाल लेंगे। निश्चित सांद्रता का लेंगे तो अपने को पता है उसमें कितने ग्राम विलय घुला हुआ है ना, डब्ल्यू एंड वी पता होगा, और इसमें पाई अपन निकाल लेंगे, तो ये सारी वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास किसी भी सोल्यूट का मोलिकुलर वेट आ जाएगा। लेकिन इससे सही मान प्राप्त नहीं होते, क्या कह रहा है, सही मान प्राप्त नहीं होता, इस विधि का उपयोग नहीं किया जाता। लेकिन जहाँ एक्यूरेट मोलिकुलर वेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जहाँ एक्यूरेट मोलिकुलर वेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहाँ इस विधि को ईजी वे में यूज किया जा सकता है, क्योंकि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, पॉलीमर आदि पदार्थ अनुभार ज्ञात किए जा सकते हैं, क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा मॉलिकुलर वेट्स होते हैं, क्योंकि ये पॉलीमर्स हैं, इसमें खूब सारी मोनोमर यूनिट्स एक साथ जुड़ी हुई होती हैं, तो उसके द्वारा हम जो है वैल्यू निकालते हैं, तो इस प्रकार से हम मॉलिकुलर वेट निकाल सकते हैं। तो ये जो प्रासन दाब है उसके आधार पर किसी सोल्यूट, खुले हुए सोल्यूट है उसके मोलिकुलर वेट का भी डिटर्मिनेशन किया जा सकता है। छोटे मोलिकुल्स के लिए तो उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक्यूरेट मोलिकुलर वेट नहीं आ पाता है, लेकिन जो बड़े मोलिकुल्स हैं, पॉलीमर्स हैं, प्रोटीन भी पॉलीमर हैं, जो सेलुलोज हैं, ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स, सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है, एंड अदर पॉलीमर्स जो हैं उनके लिए अपन अप्रोक्सीमेटली मोलिकुलर वेट निकालना होता है, तो इसी द्वारा अपन आसानी से मोलिकुलर वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रासन दाब जो है एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, प्रासन दाब एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अणुसंख्यक गुणधर्म है, ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है,
क्या, प्रासरण दाब, रिलेटिव लोअरिंग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, वाष्प दाब में कमी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन, और चौथा क्या बताया था मैंने, इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्हें। ये चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जिसका प्राशन दाब का हम अध्ययन कर चुके हैं। बची हुई तीन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। ओके, थैंक।